पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत शहर में अब तक 6 पोस्ट कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जा चुकी है। इसी कड़ी में आज भाजपा महानगर की टीम के द्वारा RSG एकेडमी और कोठीवाल डेंटल कॉलेज में हेल्प डेस्क का निर्माण किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर विनोद अग्रवाल और भाजपा महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा रहे। हेल्प डेस्क का शुभारंभ महापौर विनोद अग्रवाल और भाजपा महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा ने फीता काटकर किया। जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना से पॉजिटिव होने के बाद बहुत से लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए ये डेस्क बनाई गई है और यहाँ से अब मरीजों को मदद करते हुए दवाइयाँ वितरित की जाएंगी। तो वहीं महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि यदि हमें सुरक्षित रहना है तो कोरोना का टीका लगवाना होगा, साथ ही मास्क आदि का भी इस्तेमाल करना होगा, जिससे कि तीसरी लहर से बचा जा सके और हम अपने भारत को बचा सके। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। एक मुरादाबाद में जो कोविड सेंटर बनाए गए थे, उसमें से एक कोठीवाल डेंटल कॉलेज, यहाँ के डॉक्टरों ने, यहाँ के डायरेक्टर्स ने, यहाँ के स्टाफ ने जिस तरह इस कोविड काल में एक मानवता के तौर पे मरीजों को की सेवा करी है, मरीजों को जिस तरीके से उनको ट्रीटमेंट दिया है और अधिकतम यहाँ से लोग स्वस्थ होके अपने घर पहुँचे हैं, तो एक तो हमारे इसके हॉस्पिटल का धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने इस कोविड महामारी के बाद जो हमारे मरीज हैं उनमें जो प्रो कोविड जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसके लिए ये हेल्प डेस्क का विभिन्न अस्पतालों में उसका हमने शुरुआत की है। जैसे ब्लैक फंगल जैसी शिकायतें आ रही थी, डायरिया जैसी शिकायतें, बदन में दर्द है और प्रकार के जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके लिए ये निशुल्क यहाँ पर उसका हेल्प डेस्क का आज शुभारंभ किया है कि पूरे जनपद में कहीं से भी किसी को भी अगर कोविड से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है उसके बाद में, तो वो तत्काल यहाँ पर आए और अपना उसके लिए ट्रीटमेंट करा सकता है। दूसरी, अभी ये तीसरी लहर के लिए जो एक एजम्पशन है, उस तीसरी लहर के लिए भी इस समय पहले से तैयारी की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी हॉस्पिटलों को इसके लिए पूरी तरह सजग रहने का निर्देश दिया है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने भी, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने भी जमीनी स्तर पर उतरकर उन सब चीजों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने का काम किया है और हम लोग कर रहे हैं। कोविड के बाद जो हमारे जो पेशेंट हैं, जिस तरह से ये महामारी आई थी, इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर निकलकर और जितनी भी सेवा कर सकते थे, भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर से लेकर और प्रदेश स्तर तक का कार्यकर्ता हमारा उसके अंदर लगा और दिन रात मेहनत करके इस महामारी में उनको बचाया। अब उसके बाद जो पोस्ट कोविड के बाद परेशानी आ रही है, जैसे कि हम मेमोरी हमारी पीक हो रही है, एलर्जी की बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं लोगों में, अकड़न शरीर में है उनके, किसी के दर्द है, उसके लिए हमने पोस्ट कोविड हेल्थ डेस्क का ये शुभारंभ, हमारे 6 जगह यहाँ पर हो चुके हैं, 6 जगह खोले हैं। अभी RSD का उद्घाटन करके हमारे आदरणीय मेयर साहब आए हैं, वहाँ पर भी आज इसका उद्घाटन इन्होंने करा है और उसी तरह से आज कोठीवाल डेंटल कॉलेज के अंदर इसका उद्घाटन करा है। इसमें जितने भी हमारे ऐसे मध्यम वर्ग या गरीब वर्ग या अन्य कोई भी पेशेंट जो इस तरह का है उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करेंगे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारा उसके लिए लगा हुआ है जी जान से, हमारे मेहनत है। हमारे जो संयोजक हैं इस कार्यक्रम के, नवजीत टंडन जी, जो लगातार पिछले 8 दिन से सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ, मेरे जो महानगर की टीम है उसमें मेरे महामंत्री चाहे श्याम बिहारी शर्मा हो, सुनीता शर्मा जी हो यहाँ पर, और मेरी सेक्टर संयोग मेरी बहन यहाँ पर मौजूद हैं, और मेरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मेरे मंडल अध्यक्ष
मेरे महामंत्री, मेरे उपाध्यक्ष, जितने भी सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जी जान से इसके अंदर लगे हुए हैं पोस्ट ग्रेजुएट में। उसके अलावा वैक्सीनेशन का भी कार्यक्रम हमारा, उसको बढ़ाने का भी लगातार चल रहा है। उसके नेतृत्व में भी आज हमने शहर के अंदर करीब 11 जगह वैक्सीनेशन कार्यक्रम को, वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाने के लिए हमारा लगातार कार्यक्रम चल रहा है। उसको मेरे कमल गुलाटी जो महामंत्री हैं वो लगातार उसको देख रहे हैं, जैसे मिशन कंपाउंड के अंदर चंदनगर में, और आपके ये जो हमारा ये रेलवे हॉस्पिटल है, जितने भी उसके अंदर हमारे वो है, हमारी सीएससी पीएससी, इसमें लगातार लोग हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और जो हमारी सीएससी पीएससी भी है, जिसके अंदर कोई हमारी कमी है, उसको भी हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे विधायक रितेश गुप्ता जी हो, हमारे जयपाल सिंह बैस जी हो, आदरणीय विनोद अग्रवाल जी हैं, हमारे सांसद आदरणीय सर्वेश सिंह जी, हमारे गोपाल अंजान जी, हमारे विशेष गुप्ता जी, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उसके हमारा हमारे अन्य भी कार्यकर्ताओं ने उन्हें गोद लिया है। उसके अंदर जितनी भी सीएससी पीएससी के अंदर कोई भी कमी है उसको वो दुरुस्त कराएंगे। उसके अंदर जो भी पानी की अगर व्यवस्था नहीं है, पंखे की व्यवस्था नहीं है, बैठने की नहीं है, रंगाई, वो सारी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता पूरी ताकत से कर रहे हैं। उसके अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी बहुत जोर शोर से लगे हैं। हमारी प्रदेश की कोषाध्यक्ष जो प्रिया अग्रवाल जी हैं, उन्होंने भी दो पीएससी अपने उससे गोद ली हैं, और हमारे उसी के साथ हमारे एक और भी कार्यकर्ता हैं जो लगातार गोद ले रहे हैं, और वो हमारा बहुत लगन से उसके अंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। और मैं इसके यहाँ के डायरेक्टर आदरणीय भाई के मिश्रा जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने जिस तरह से महामारी के अंदर हमारा दिन रात, हमने उनको रात को 2 बजे भी फोन करा, हमने उनको 3 बजे भी फोन करा, और रात को हमारा फोन अटेंड करते थे, हमें भी लगता था, लेकिन जिस तरह महामारी में उन्होंने हमारे लोगों को बचाया है, इस पोस्ट कोविड हेल्थ सेंटर जो ये आज हमने लगाया, इसमें भी हमारी वो पूरी लगन के साथ हमारी सहायता और कर रहे हैं। हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी 2 पीएससी गोद ली है। उनके साथ ही एक लता चंद्रा जो समाज सेवी, उन्होंने भी 1 पीएससी गोद ली है। उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और आभार। देखिए, दूसरी लहर के बाद कोविड के बहुत मरीज इस बार रहे, कंडीशन बहुत ख़राब थी, मरीजों की तबीयत भी बहुत बिगड़ी, अब सही होके गए हैं सब, लेकिन अब बीच बीच में शिकायतें आ रही हैं मरीज़ों को, कुछ को दर्द ज़्यादा है, थोड़ी बहुत मरीज़ मेमोरी लॉस की कंप्लेंट कर रहे हैं, कुछ मरीज़ों में पेट खराब चल रहा है उसकी वजह से। तो हम देख रहे हैं कि जितने अब लक्षण आ रहे हैं ये कोविड के बाद के लक्षण हैं, जो कहीं ना कहीं कोविड की बीमारी से ही जुड़े हुए थे। हम उस चीज़ को पूरी तरीके से देखा जा रहा है, और आज जैसे इस हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया है, इसके थ्रू हम और मरीज़ों को ज़्यादा बेहतर सुविधा दे सकेंगे और उनका एक बेहतर इलाज कर सकेंगे। हाँ, मेरा एक गुजारिश है सभी लोगों से कि टीकाकरण में आगे बढ़ें और टीका ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं, क्योंकि हमने देखा जिन लोगों को टीके लगे थे उन लोगों में बीमारी बहुत कम रही, अगर हुई भी तो इतनी सीवियर नहीं हुई कि उन्हें इतनी दिक्कतें झेलनी पड़े। तो हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा मरीज आगे के लिए बचे। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।